नमस्कार श्रद्धालु, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर कौन सा है इसके बारे में। वैसे तो आपने कई मंदिरों के बारे में सुना होगा और कई चमत्कार देखे भी होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और साथ ही रहस्यमय मंदिर भी है, इसलिए इस मंदिर को दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर बताया जाता है। चलिए जानते हैं आखिर कौन सा है ये मंदिर। भारत में वैसे तो अनगिनत मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी एक महिमा है और हर जगह भक्तों का तांता लगा रहता है। भारत के इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और कई विदेशी ऐसे हैं जिन्होंने इन मंदिरों और भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर हिंदू धर्म को अपना लिया है और ईश्वर भक्ति में लीन हो गए हैं। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि भारत की धरती भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक मंदिर हैं और कई सारी चीज़ें हैं, जिससे कि यहाँ पे आने वाला व्यक्ति, जो भी विदेशों से यहाँ लोग आते हैं, वो इस धरती पर रह के यहाँ बस जाते हैं, साथ ही यहाँ के धर्म को भी अपनाते हैं। कई बार इन मंदिरों के रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी और मंदिरों का रहस्य वैसा ही बना रहा। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, उज्जैन का महाकाल मंदिर, काल भैरव उज्जैन मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान, पुष्कर मंदिर राजस्थान, नैना देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, बालाजी मंदिर दक्षिण भारत, और न जाने कितने ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जो कि इतने रहस्य से भरे हुए हैं कि साधारण व्यक्ति का उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही विज्ञान के पास भी इनके रहस्यों का कोई जवाब नहीं है। यहाँ मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ वह मंदिर उज्जैन के नलखिला में स्थित है। इस मंदिर में माँ बगलामुखी की मूर्ति विराजमान है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगर मालवा क्षेत्र में जय बगलामुखी माता का मंदिर स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर पर अगर आप हवन करवाते हैं या अपनी कोई मनोकामना बोलकर हवन करवाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 7 दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हर साल इस मंदिर में लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर बहुत ही अधिक चर्चा में है। 7 दिनों में मनोकामना पूरी होने के कारण यह मंदिर बहुत ही रहस्यमय बन गया है। यहाँ की एक रहस्यमय बात यह भी है कि इस प्रदेश में जब भी इलेक्शंस होते हैं तब यहाँ के मंत्री इस मंदिर में आकर हवन जरूर करवाते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। कहा जाता है यह मंदिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले पांडवों से कहा कि माँ बगलामुखी की तपस्या करो। जब पांडवों ने ऐसा किया तो उन्हें माँ बगलामुखी के दर्शन प्राप्त हुए, साथ ही उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुई। तब श्री कृष्ण ने माँ बगलामुखी से एक प्रार्थना की कि हे माता बगलामुखी, आप इस स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं और जिस प्रकार आपने हमें वरदान दिया वैसे ही आपकी आराधना करने वाले और इस मंदिर पर आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करें। तब माँ बगलामुखी ने प्रसन्न होकर इस स्थान पर वास किया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी जो भी पूर्ण रूप से भक्ति करेगा, पूर्ण स्वार्थ रहित होकर भक्ति करेगा और जो मेरे चरणों में आएगा मैं उसके 7 दिनों में मनोकामना पूर्ण करूंगी। अब जो भी माँ बगलामुखी के स्थान पर जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है और अपनी मनोकामना रखता है, माँ बगलामुखी उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करती है। यह बहुत ही चमत्कारी मंदिर है और इसके चमत्कार लोगों ने देखे हुए हैं और उस समय से लेकर आज तक यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना मात्र 7 दिनों में पूर्ण हो जाती है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है और आप भी चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए तो आप अपनी मनोकामना इस मंदिर में आके बोल सकते हैं। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप हवन करवा सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, रहस्यमय मंदिर है। इसके चमत्कारों को नकारना बहुत ही नामुमकिन है, इसलिए आप भी इस स्थान पर जाएं और माँ बगलामुखी से प्रार्थना करें, उनके दर्शन करें। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।